हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, काफी अच्छी अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इंफोसिस की तरफ से काफी लोगों को इंटरव्यू इनवाइट मिला, यानी कि टुमारो 15 जून का, और काफी लोगों को यस्टरडे यानी कि 13 जून को ऑफर लेटर मिला है। और ये दोनों अपडेट है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल्स के लिए। ठीक है, और इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको वीडियो के आने वाले पार्ट्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, चाहे वो ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कंपनी से छोटी अपडेट ही क्यों ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी आप देख सकते हो, काफी अच्छी हायरिंग मैंने कल अपलोड की थी। ठीक है, विप्रो की तरफ से थी, विप्रो स्टार, विप्रो सिम और विप्रो सेटअप की। ठीक है, तो तीनों में से अगर आप किसी में भी एलिजिबल होते हो, अप्लाई करना। ठीक है, और एक और बात, यहाँ पर मेरा ना एक और चैनल है, जर्नी ऑफ इंजीनियर। ठीक है, तो ये जाके भी सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि आने वाले फ्राइडे में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली, जो भी इन्फोसिस ज्वाइन करने वाला इन्फोसिस इन फ्यूचर। ठीक है, तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ना, सबसे पहले मैं दोनों का एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू इनवाइट का स्क्रीनशॉट है, तो एक बात और बता दूं मैं ना, ये जो दोनों है ना, एक जो ऑफर लेटर वाला है और एक इंटरव्यू इनवाइट है, ये दोनों ही ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल वाले। और इन दोनों में ना एक कॉमन चीज यही है कि दोनों का जो इंटरव्यू क्या बोलते हैं ऑनलाइन टेस्ट था, वो 15 मई को हुआ था। ठीक है, और देख सकते हो ये वाला जो इंटरव्यू है, ये 15 जून को अभी कंडक्ट होगा, और जो अगला मैं दिखाऊंगा उसमें दिखा दूंगा। तो यहाँ भी सेम चीजें है, मैंने कितनी बार दिखाया हुआ है, कुछ सेम चीजें होती है, लिंक प्रोवाइड होता है, टाइमिंग दी होती है और डेट होती है, बाकी कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता, बस नीचे कुछ लाइनें लिखी होती हैं कांग्रेचुलेशन करके। ठीक है, बाकी आप देख लेना, अगर आपको भी ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और इसके लिए बेस्ट ऑफ द लक। अगला स्क्रीनशॉट जो हमारा है, वो एक ऑफर लेटर इन्फोसिस की तरफ से, जो है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा होता, बाकी सारी चीजें सेम लिखी होती है। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियर वाला मैंने काफी बार आपको ऑफर लेटर दिखाया है, कुछ चीज नहीं चेंज होती है, बस आपका कंपनसेशन चेंज होगा, 2.2 LP लिखा होगा और रोल चेंज होगा। ठीक है, और बाकी सब कुछ वही होगा, मैसूर में ट्रेनिंग लोकेशन फलाना ढिमकाना। और एक बात का ये भी देख सकते हो, यहाँ पे भी ये जो मैं हमेशा बोलता ना, सब्जेक्ट लाइन पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हो, वर्चुअल ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो ये चीज आप ध्यान से पढ़ा करो, जब भी आपको ऑफर लेटर मिले तो इतने टेंशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी, आपको खुद ही पता लग जाएगा। वर्चुअल का मतलब तो अब तो पता ही लग गया होगा कोविड आने से कि ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कहीं पर जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो स्क्रीनशॉट पेस्ट किए हैं, और दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों का जो प्रोफाइल है ना, वो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की है, दोनों का ऑनलाइन टेस्ट 15 मई को हुआ था, दोनों को एक शॉर्टलिस्ट का ईमेल जो आया था 23 मई को आया था। ठीक है, अब उसके बाद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, एक पर्सन जिसको ऑफर लेटर मिला है, उसका क्या बोलते हैं इंटरव्यू 7 जून को ही हो गया और ऑफर लेटर मिल गया 13 जून को, पर और ये सेम किसी और के लिए नहीं था, और किसी और के लिए थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि उनका इंटरव्यू अभी 15 जून को होगा। ठीक है, और मे भी क्या पता उनका भी विद इन वीक में रिजल्ट आ जाए और उनकी भी डेट ऑफ जॉइनिंग 30 जून को हो। ठीक है, तो ऐसा कारण ये, क्योंकि जैसे आपको पता है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने इसमें बताया है कि जो 9 जून की जॉइनिंग थी ना, काफी लोगों को जैसे 3 जून को उन्होंने ना लॉन्च पैड क्वेरीज की एक आई थिंक मीटिंग रखी थी, तो काफी लोगों को 2 या 3 जून को ऑफर लेटर मिला था, उनकी ज्वाइनिंग भी 9 जून को ही थी, तो ऐसा होता है। और काफी लोगों को मई के स्टार्ट में मिला था, उनकी ज्वाइनिंग भी 9 जून की थी। ठीक है, तो इनका कुछ होता है बैच वगैरह या क्या बोलते हैं प्रोफाइल वगैरह, ये भी होता है। ठीक है, तो ये टोटली इन्फोसिस के ऊपर ही होता है। तो अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, कि हमारा भी यही सीन है, यही सारी चीजें हैं, हमारा इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा शॉर्टलिस्ट का जब ईमेल आया था तो उसमें लिखा था 12 से 15 दिन, 12 से 15 दिन तो निकल ही चुके हैं, तो इसमें अपना एक ही आपके पास सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आप करते ही हो तो वो आई थिंक सेम ऑटो जनरेटेड ईमेल ही रिप्लाई करते हैं, पर ट्राई कर लो, talent.acquisition होती है, जिससे आपको क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ लिखा ही हुआ है ये वाला, जब ये देख सकते talent.acquisition, यहाँ से
इन्हीं को ईमेल कर सकते हो कि हमारा इंटरव्यू इस दिन हुआ था, शॉर्टलिस्ट ये, और हमें शॉर्टलिस्ट ईमेल में लिखा हुआ था कि 12 से 15 दिनों के अंदर हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो यही मेल कर सकते हो, ठीक है, तो यही ऑप्शन है आपके पास। और जिसको ऑफर लेटर मिला उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसको इंटरव्यू इन्वाइट है उसको बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।